मंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाबा नगरी तैयार है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री सबसे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट की तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी अजय लाल हम तक पहुंचा रहे थे और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरनाथ सहयोगी वहां से। अमरनाथ, देखिए एक ये बहुत बड़ी सौगात कि अब ये दूसरा एयरपोर्ट होगा झारखंड के लिए, पहला रांची और दूसरा देवघर। लेकिन इन सब के अलावा ये भी है कि सिर्फ संताल ही नहीं, पूरे झारखंड को भी सौगात मिल रही है आज। जी वाकई देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है देवघर के लिए और देवघर के लिए ये सौगात है। और मैं आपको बताऊं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड का पहला होगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, और यहाँ से आज से विधिवत उड़ान जो है शुरू हो जाएगी और आज ये पहली फ्लाइट जो है कोलकाता के लिए यहाँ से उड़ान भरेगी, जिसको कि प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज का जो यह दिन है बहुत बड़ा दिन है देवघर के लिए। अभी बस उद्घाटन में महज अब कहें कि कुछ घंटे अब शेष रह गए हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उनके द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा वो एयरपोर्ट का नज़ारा जरा दिखाएँ कि किस प्रकार का यहाँ एयरपोर्ट को सजाया गया है, तिरंगे सजाया गया है, गार्डनिंग की गई है, खूबसूरत दिख रहा है अब ये एयरपोर्ट। मंदिर के ऊपर की अगर हम बात करें तो मंदिर के ऊपर का जो ये गुंबज जो है, जहाँ ये देवघर एयरपोर्ट लिखा हुआ है, उसके मंदिर के दोनों आसपास का जो गुंबज है वो मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का गुंबज दर्शाया गया है। इसके ऊपर पंचशूल दर्शाया गया है कि हूबहू एक कहे कि बाबा मंदिर का एक लुक देने का प्रयास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। और देवघर से इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से आप देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ जुड़ शुरू हो जाएगा। और सबसे पहली यहाँ से जो विदेश की उड़ान जो शुरू होने वाली है वह बैंकॉक की शुरू होने वाली है। इसके साथ मैं अपने सहयोगी से कहूँगी जरा एक बार पूरे इस एयरपोर्ट का दृश्य जरा दिखाएं कि किस प्रकार की आज यहाँ तैयारी की गई है, किस प्रकार सजाया संवारा गया है इस एयरपोर्ट को। मैं अपनी अब आज का जो ये दिन है बहुत बड़ा दिन है देवघर के लिए ही नहीं पूरे झारखंड के लिए। अब से बस कुछ ही थोड़ी देर में झारखंड सरकार के कई अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। झारखंड के प्रभारी मुख्य सचिव अरुण सिंह पहुँचे हुए हैं, राज्य के पुलिस महानिदेशक भी पहुँचे हुए हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका पहुँचे हुए हैं, कई अधिकारी पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री कल से ही शाम से यहाँ कैंप कर रहे हैं, राज्यपाल कल से कैंप कर रहे हैं। अब से कुछ देर में अर्जुन मुंडा जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं वह पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ कई सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो भी बड़े प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो दीपक प्रकाश हो, बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, सभी के सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसको इस पूरे अभियान को कहे कि या फिर जो उद्घाटन कार्यक्रम है पूरी तरह से भजाना चाहती है, चूँकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरुआत इसका शिलान्यास किया गया था और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाना है। तो कुल मिलाकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक अपनी सौगात जो यहाँ मिल रही है लोगों को, उसको आने वाले दिनों में बताना चाहती है लोगों को, अपने चुनाव के अभियान में भुनाना इसको भी चाहेगी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब राज्य में जब डबल इंजन की सरकार थी तो झारखंड में बहुत विकास हुआ, कई महत्वपूर्ण योजनाएं आई, एम्स आया, देवघर एयरपोर्ट आया, फूड क्राफ्ट आया, इसके साथ साथ प्लास्टिक पार्क आया, कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आई हैं। जी चलिए, तो ये अब तमाम चीजें अब आज बस उद्घाटन का इंतजार, प्रधानमंत्री का इंतजार जब पहुंचेंगे और ये सौगात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।